पूछिए साहब। अरे आई एम वेरी एक्साइटेड। ये एक बहुत ही पर्सनल प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा। आई मीन स्पेशली जब हम इस कहानी को बना रहे थे उसके दौरान और जब रिलीज का वक्त आया तब भी हमें एक सवाल पता था कि लोग पूछेंगे अरे ये तो बन चुकी है। तो यही हमारी कोशिश रही है कि हम इस कहानी को जितनी अच्छी तरीके से और सच्चाई से लोगों तक लेके आए और एक अलग पर्सपेक्टिव से लेके आए, आई थिंक दैट इज़ बिन दी एंडेवर। और इसी कोशिश का जो फल है वो आज हम देखेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक वेब सीरीज़ का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ इसलिए एक्साइटिंग नहीं है क्योंकि ये बहुत लोगों तक पहुंचता है, मगर इसलिए भी एक्साइटिंग है क्योंकि ये एक इतना अच्छा समय है राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए कि वो अपने हुनर को आगे ले आए और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आई थिंक एज दे से स्काई इज़ द लिमिट, आई थिंक द स्काई इज़ द लिमिट राइट नाउ। इट्स अमेजिंग। आई नो, मुबारक हो बच्चन साहब आपको। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग एवरी सिंगल वन ऑफ अस ओवर जेनरेशंस। आई थिंक यू हैव गॉन आउट देयर एंड यू नो चेंज द वे वी लुक एट द इंडियन हीरो, फ्रॉम द एंग्री यंग मैन टू बीइंग यू नो द लवली एंडियरिंग child in power. You know, you've played it all for us, so thank you so much. I think this industry is blessed to have you, so thank you. अरे बहुत एक्साइटेड है, मुझे तो हमेशा से पता था अगर वहाँ पे एक पासिंग शॉट भी है तो भी मैं करूँगी क्योंकि जोया अख्तर की फिल्म है, रणवीर सिंह की फिल्म है और अब इतना फख्र होता है कहते हुए कि ये मेरी फिल्म है और ऑस्कर्स के लिए इंडिया से चुनी गई फिल्म है। तो बहुत ही उम्दा हफ्ता रहा है क्योंकि सीक्रेट गेम्स एमीज के लिए गई, ये हमारी गली बॉय ऑस्कर्स के लिए गई, डॉली किट्टी बुसान गई है। तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होना ही मेरे लिए बहुत ही अहम बात है और जो प्यार मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। इसके अलावा क्या क्या? बस अभी अंदर जाएंगे, समोसे खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और वर्डिक्ट देखेंगे। थैंक यू।